My school. My school. Every day in hot and cool, I daily go to my school. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सैफ्रन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम सीखेंगे सीनियर केजी विषय हिंदी। उसमें हम सीखेंगे हमारा आकृति अभ्यास में आगे की हमारी कौन सी आकृति है वो हम यहाँ पर आज सीखेंगे। तो हमारी आज की आकृति है एक एरो की है। जैसे तीर में कैसे आगे का एरो का जो भाग होता है वो आकृति कैसी होती है, वैसे ही ये हमें आकृति यहाँ पर दी गई है। तो हमें ये आकृति कैसे स्टार्ट करनी है, तो ये जो हमें कुछ बिंदु दिए गए हैं उन्हें जोड़कर हमें एरो की आकृति बनानी है। तो पहला बिंदु हमें यहाँ पर दिया गया है, दूसरा वाला है बीच में और तीसरा वाला उसके नीचे। तो हमें क्या करना है, हमें इस बिंदु से हमारी रेखा खींचते हुए इस बिंदु तक लानी है और इस बिंदु से इस बिंदु तक। तो बन जाएगा हमारा एरो या तीर। तो ये बन जाएगी हमारी एरो की आकृति। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो बिंदु दिए गए हैं तीर, उन बिंदुओं को छोड़कर हमें एरो की आकृति बनानी होगी। ऐसे ही हमें ये जो जितने भी बिंदु दिए गए हैं उन सारे बिंदुओं में एक एक रेखा खींचते हुए एरो जैसी आकृति यहाँ पर बनानी है। तो ये बन गया हमारा तीर का आगे का जो भाग कैसा होता है, उसके जैसे ही हमारी आकृति बनेगी। तो ये बन गई हमारी एरो की आकृति। ऐसे ही हमें सारे आकृतियों को इस तरह से ड्रॉ करना होगा। ऐसे ही सारी आकृतियों को हमें चित्र बनाना होगा। तो ये बन गया हमारा एरो का चित्र। तो ये सारे बिंदुओं को कैसे करना है, यहाँ ऊपर वाले बिंदुओं को बीच के बिंदु से जोड़ना है और बीच वाले बिंदुओं से नीचे वाले बिंदु तक। ऐसे ही हमें सारे एरो की आकृति मिल जाएगी। तो ये बन गई हमारा एरो। ऐसे ही हमें यहाँ जितने भी एरो की आकृति में जितनी भी लाइनें दी गई हैं उन सारी लाइनों के ऊपर हमें दूसरी लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी है। यानी कि जितनी भी लाइनें दी गई हैं उस पर हमारी पेंसिल से दूसरे चित्र करने हैं। तो बन जाएगा हमारा एरो का चित्र। ऐसे ही हमें उसके ऊपर ही दूसरी लाइन खींचनी है। तो ये सारी रेखाएं क्या बनेगी, तो ये दो रेखाओं को जोड़कर हम बनाएंगे हमारा एरो का चित्र। ये बन गया हमारा एरो। अब हमें बच्चे यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ बिंदु दिए गए हैं और यहाँ पर हमें वो जो रेखा का चित्र है वो हमें नहीं दिया गया। हमें ये जो रेखा है वो अपने आप ही बनानी है। तो हम कैसे बनाएंगे, ये बिंदुओं को इस बिंदु तक जोड़ेंगे, बीच वाले बिंदु में जोड़ेंगे और फिर बीच वाले बिंदु से ये बिंदु पर नीचे वाले बिंदु पर जोड़ेंगे। तो बन जाएगा हमारा एरो, ये यहाँ से बीच में, बीच से नीचे। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमें बिंदु दिए गए हैं उसको सही से छोड़ना है। ये जो हमारी लाइनें हैं वो थोड़ी से टेढ़े आकार की है, इसे हम टेढ़ी आकृति भी कह सकते हैं। इस तरह से हमें सारे बिंदुओं से एरो का चित्र तैयार करना है, एरो की आकृति बनानी है। यहाँ ऊपर से बीच में और बीच से लेकर नीचे, तो ये बन जाएगा हमारा एरो का चित्र। ऐसे ही हमें सारे चित्र को इस तरह से पूरा करना होगा। तो बन जाएगा हमारा एरो लाइन। ऐसे ही हमें सारी लाइन को पूरा करना होगा। ये हो गई हमारी एरो लाइन। ये यहाँ पर बीच में लेंगे और बीच से यहाँ पर नीचे, ये बन गया हमारा एरो। ऐसे ही हमें सारे एरो को इस तरह से छोड़ना है। ये हो गए हमारे एरो लाइनें। यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पर बीच में लेंगे, बीच से नीचे। हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, पहले ऊपर के तरफ से नीचे लाना, बीच में लाना है, बीच से नीचे की और हमें ये रेखाएँ खींचनी है।
ये जो हमारी रेखा है वो हमें बिंदुओं को मिलाते हुए बनानी होगी, तो ही हमारा ये जो एरो का चित्र है वो हमारा ऊपर जैसे हमने बनाया था वैसा ही यहाँ पर बिल्कुल बनेगा। ये सारे बिंदुओं को छोड़कर बनेगा। हमारी कौन सी आकृति बनी? ये जो हमें सारे बिंदु छोड़ लिए तो हमारी एरो की आकृति यहाँ पर बन चुकी है। ये बन गए हमारे सीधे वाले एरो। अब हम क्या करेंगे, तो हमें यहाँ पर उसके ही नीचे दिए गए हैं ऐसे ही बिंदु, पर ये एरो कैसे है, ये जो एरो है वो हमारे उल्टे वाले एरो है। उसमें हम क्या करेंगे, तो उसमें हम पहले नीचे से बीच में ले जाएंगे हमारी रेखा को और उस बिंदु से हमारे ऊपर वाले बिंदु तक जोड़ेंगे, तो बन जाएगा हमारा उल्टा वाला एरो। तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर नीचे से पहले बीच में ले जाना है रेखा को और उसी रेखा को बीच में से ऊपर की तरफ, तो ये बन जाएगा हमारी उल्टी वाली रेखा एरो की हो जाएगी। ऐसे ही हमें सारे उल्टे वाले एरो इस तरह से बनाने होंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे से बीच में ले जाना है, बीच से ऊपर तक। ये देखो हमारी जो रेखा है वो कहाँ से शुरू होगी, नीचे से बीच में और बीच में से ऊपर। ये जो हमारी सारी टेढ़ी लाइनें हैं वो हमारी इस तरह से बनेगी। तो हमें यहाँ पर जितनी भी रेखाएं दी गई है उस रेखाओं के ऊपर हमें हमारी पेंसिल से दूसरी रेखाओं को बनाना होगा। तो ये बन गया हमारा एरो। ये हमारा ऊपर वाला एरो कौन सा था, तो वो हम पहले ऊपर से बीच में लाते थे और बीच में से नीचे की ओर। और ये कैसे बनता है, नीचे से बीच में और बीच में से ऊपर। जैसे ही हमारी सारी रेखाओं को इस तरह से हमें बनाना है। ये बन गया हमारा उल्टा वाला एरो। ये जो हमारा ऊपर वाला एरो था वो कैसा था, इस तरफ का, और ये जो हमारा एरो है वो हमारा यहाँ तक इस तरह से बनेगा। ये हो गया हमारा एरो। ये हमारा एरो किस तरह की दिशा दिखाता है, ये जो हमारा एरो है वो हमें लेफ्ट साइड की दिशा दिखाता है और ऊपर वाला जो था वो हमारा राइट साइड वाला एरो था। तो हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला भी एरो हम इसे कह सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो जो हमारा ये राइट लेफ्ट साइड वाला एरो है वो हमें पहले नीचे से शुरू करना है और फिर ऊपर जाके ख़त्म होगा। तो ये हमारी आकृति है वो हमारी इस तरह से बनेगी। ऐसे ही हमारे सारे एरो यहाँ पर हमें बनाने होंगे। तो ये बन गया हमारा एरो, हमारा उल्टा वाला एरो यहाँ पर बन चुका। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ बिंदु दिए गए हैं। ऊपर हमें जैसी रेखाएं दी गई थी वैसी रेखाएं हमें यहाँ पर नहीं दी गई हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ बिंदु दिए गए हैं। तो उन्हें बिंदुओं को छोड़कर हमें ऊपर जैसे हमने एरो बनाए थे वैसे ही एरो हमें यहाँ पर बनाने हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से रेखा ले जाएंगे और उसी रेखा को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, तो बन जाएगा हमारा एरो। तो ये हो गया हमारा एरो। वैसे ही हमें सारे बिंदुओं को इस तरह से छोड़ते जाना है। तो जो हमारी वो जो आकृति थी वो हमारी वैसे ही आकृति यहाँ पर भी बन जाएगी। ये हो गए हमारे सारे एरो। ऐसे ही हमें सारे एरो को अपने आप ही बनाना है। जितने भी हमें खाली बिंदु दिए गए हैं उन सब में हमें इस तरह से सारी रेखाओं को खींचकर एक एरो की आकृति तैयार करनी होगी। तो मैंने आपको जैसे बताया है वैसे ही आपको सारी के सारी जो रेखा है इस तरह से आपको, मैं जैसे जोड़ रही हूँ सारे बिंदुओं को, आपको भी सारे बिंदुओं को वैसे ही रेखाओं से जोड़ना होगा। पहले हम इसे नीचे से स्टार्ट करेंगे और बीच में ले जाएंगे और नीचे बीच में से ऊपर तक ले जाएंगे, तो ही हमारा जो एरो का जो चित्र है वो बिल्कुल
सही से जैसे हमने बुक में आगे देखा था वैसा ही हमारा ये भी बन जाएगा। इस तरह से हमें सारे बिंदुओं को इस रेखाओं से छोड़कर एक एरो की आकृति हम यहाँ पर बनाएंगे। तो बच्चों आज हमने यहाँ पर क्या सीखा, तो आज हमने यहाँ पर एरो की आकृति कैसे तैयार होती है वो हमने इस आकृति के अभ्यास में आज हमने यहाँ पर सीखा। तो आपको जैसे मैंने बताया है वैसे ही सारे एरो को आपको इस तरह से बनाना होगा। तो कैसे, ऊपर जैसे हमने एरो बनाए थे वैसे ही एरो यहाँ पर हमने बना लिए हैं। तो पहले हमने कौन से एरो सीखे, तो हमने पहले सीधे वाले एरो सीखे और फिर हमने उल्टे वाले एरो सीखे।